देखिए, जिन किसी भाइयों का जो है बीपीएससी वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में दिक्कत हो रहा था, गड़बड़ हो गया था फ़ोटो में, जिसके लिए आज वेबसाइट जो है बीपीएससी के द्वारा फिर से आज ऑप्शन दिया है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अपलोड फ़ोटो अपडेट के लिए बोल रहा है, अपडेट फ़ोटो अपलोड, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है आप आगे चलेंगे, अब तो फिर लॉगिन करने बोल रहा है, लॉगिन करना पड़ेगा, समय आउट हो गया है मेरा। यहाँ पर खुल के आ चुका है अपलोड अपडेट, अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है ऐसा कुछ नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं था, पहले से ब्लैंक हो गया था, जिसको कि अभी हम सुधार कर रहे हैं पुनः। यहाँ पर फ़ोटो लगाना है और अब जो है हम अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब फोटो मांग रहा है, यहाँ पर अब देखिए मीडियम जाएंगे, मीडियम जाके हम जो अभी फ़ोटो सिलेक्ट किए थे, बनाए थे इसका साइज, जो कि फ़ोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है, इस फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी इसको सिलेक्ट किए, यहाँ पर आ गया फ़ोटो, देख सकते हैं आप लोग इस फोटो को। अब जो है क्या करेंगे, इस साइड में सबमिट इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट इमेज, इसमें क्लिक करेंगे सबमिट इमेज। अभी यस नो का ऑप्शन आ रहा है, आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्रीज, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो हमको यहाँ पर यस करना है, यस कर दिए। अब देखिए, अब लिखा रहा है यहाँ पर इमेज सबमिटेड सक्सेसफुली, गो बैक टू योर डैशबोर्ड एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, मतलब फ़ोटो अपलोड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम बैक जाएंगे, ओके डैशबोर्ड पर। जैसा कि हम जान रहे हैं मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया है, फ़ोटो अपलोड हो गया है, अब उसको हमें देखना है। अब यहाँ पर हमें डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, डाउनलोड रिटर्न एडमिट कार्ड। ठीक है, अब इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने में ऐसा खुल के आ रहा है। अब इसमें कह रहा है टिक लगाने, टिक लगा दिए। अब ये कैप्चा को भरना है, एम कैपिटल ए स्मॉल भी 50, डाउनलोड एडमिट कार्ड कर दिए। अभी देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड खुल के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमको डाउनलोड करना है पीडीएफ फाइल में, तो यहाँ करना पड़ेगा क्लिक, क्लिक हेयर टू प्रिंट, यहाँ पे हम क्लिक हेयर टू प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर हमको पीडीएफ चूज करना पड़ेगा, जैसे ही चूज किए तो हमारे सामने ये जो है खुल के आ चुका है एडमिट कार्ड। अब हम मोबाइल में रखें कि इसको प्रिंट करा ले, जो करना हमारी इच्छा है। ओके, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, धन्यवाद।